अच्छा किए कि आप ही मिलने के लिए बोल दिए, पहली बार तो अम्मा बाबूजी के सामने तो बात ही नहीं हो पाया था। हम का पूछ रहे थे कि अब तक कितना लड़का लोग देख चुके हैं आप, मतलब हमारी तो आप लकी नंबर 11 है। सच्ची उच्ची? आप हमारे लकी नंबर 7। सही में मतलब अच्छा लड़का, मतलब अच्छा जीवन साथी मिलना बड़ा मुश्किल है। नहीं सही है? कौन सा ऐसा मैट्रिमोनी साइट नहीं होगा जहाँ मैं अम्मा है ना प्रोफाइल ना बनाई हूँ। अरे हमारा भी आज तक किसी से तालमेल नहीं बैठा है, लेकिन आपको तो पहली नजर में देखते ही आप हमें भाग गए। मतलब मासूम जी, आपका स्माइल हमको छू गया। हमको आपका गाल का गड्ढा। लेकिन ऐसे ही थोड़ी गाल का गड्ढा देख के कोई शादी ब्याह कर लेता है, सकल सूरत नहीं पूरा ऊपर से नीचे तक जानना पड़ता है ना। हाँ बात तो एकदम सही कहा आपने, मतलब खूबसूरती के साथ साथ समझदार भी हैं आप। हैं थक कितना अच्छा लजाती हैं आप, बताओ को हमको लजवाइए नहीं। और बताइए, मतलब कैसा जीवन साथी ढूंढ रही हैं आप? बाप रे, आप तो पहला बोल में इतना गंभीर सवाल फेंक दिए। अरे तो आसान तो सवाल फेंक देते हैं हम। ये बताइए मुंबई कैसा लगा आपको? मुंबई? हाँ मतलब रहना पसंद करेंगे आप यहाँ? बाप रे, हमें तो आँख ही चौंधी आ गया ये सब देख के। अरे हमारा भी मतलब आग चौंधी आ जाता है, यही ख्याल है, सेम टू सेम टाइप। मतलब जब 6 महीना पहले हम यहाँ आए थे, लेकिन इस शहर का ना बात ही अलग है। अपना गांव देहात जैसा शुद्ध हवा यहाँ नहीं है, लेकिन इस शहर का जो सुरूर है ना, ऐसा सुरूर आपको कहीं और मिलेगा नहीं देखने को। मतलब गांव जैसा सुकून नहीं है, लेकिन एक बात हम आपको बता देते हैं, जो जोश और जुनून इस शहर में है ना, आपका कसम खा के कह रहे हैं मासूम जी, आपको पूरा दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा इतना एनर्जी। हो सकता है, लेकिन हम तो ऐसा तभी समझेंगे ना जब हम यहाँ रहेंगे। तो रहिए ना आप। बिल्डिंग कितना ऊंचा है इधर, ताड़ के पेड़ से भी ऊंचा। देखिए इतना बड़ा इमारत, मतलब चक्कर खा के गिर जाए। और कपड़ा देखिए, नहीं मत देखिए, बताइए ये कोई तरीका होता है? इतना छोटा रुमाल से भी छोटा कपड़ा पहनती है लड़की लोग, शर्म लिहाज कुछ नहीं। बिल्डिंग तो सही कह रहे हैं आप, एकदम भगवान कसम। हमारा भी एकदम माथा चकरा जाता है इतना बड़ा 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 बिल्डिंग देख करके। चक्कर ही आ जाए। अरे छोटा कपड़ा का तो क्या है कि अब कौन कब कहाँ कैसे कहाँ कपड़ा पहनता है, उससे अपने को क्या लेना देना है? बताइए मासूम जी, ये तो उसका अपना मर्जी है ना स्वयं का, है कि नहीं? इस शहर जैसा आज़ादी नाम बता रहे हैं मासूम जी, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। चना खाइए, सच्ची कह रहा हूँ। बचपन में क्रिकेट खेलते थे क्या? हाँ काहे कि पहले ही बॉल पे बहुत लंबा छक्का मारे हैं, टेस्ट ले रहे थे आपका, पास हो गए आप। टेस्ट मतलब कैसा टेस्ट, बताइए ना हमको कैसा टेस्ट। देखिए हम तो सलवार सूट साड़ी के अलावा कभी कुछ पहने नहीं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति या कोई महिला कुछ पहनना चाहता है तो उसकी अपनी स्वतंत्रता है कि नहीं?
देखिए, हम एक लड़के से मिले आपसे पहले, दिखने आखने में ठीक था, लेकिन जैसे ही कोई छोटी कपड़े वाले लड़की को देखे ना, उसके मुंह से अपने आप पे सीटी सरक जाए। हाँ, कहे कि छोटा कपड़ा पहने तो यही ना चाह रही होगी। बताइए, ऐसा होता है? अरे नहीं, हमको आया गुस्सा, हम मारे एक चाटा खींच के। गधा नहीं तो। खूबसूरत, समझदार और दबंग, तीनों हैं आप। कमाल है मासूम जी, आप सच्ची कह रहे हैं। दत्त। अरे दत्त क्या कह रही है? चलिए। अरे घर तो यहाँ है ना। कुछ में कमाल है आप। अच्छा, कितना लड़कों को मार चुकी हैं आप अब तक? तो हम क्या कह रहे थे मासूम जी, कि हमारे बाबूजी के जाने के बाद अम्मा एकदम अकेली हो गई हैं, मतलब हमारे अलावा उनको कोई है नहीं। तो सोच रहे थे कि अम्मा को यहाँ इसी घर में मुंबई लेते आए, हम उनका और वो हमारा सहारा बन जाएंगी, है कि नहीं? तो जो जिस बात से हमको टेंशन हो रहा है वो ये है कि अब वो यहाँ आ जाएंगी तो शादी के बाद होता है ना प्राइवेसी एंड ऑल, तो मतलब आप रह पाएंगे? कहाँ नॉनसेंस बोल रहे हैं आप, प्राइवेसी का क्या अचार डलेगा? अरे माँ जो होती है ना, ओकरे पैर में स्वर्ग का द्वार होता है, ओकरे खाली रहने भर से ना घर में बरकत आता है, खुशहाल रहता है घर। आप देख लीजिए कितना दुनिया भर का टेंशन हो, अगर माँ की गोदी में सर रख दिया तो सब भुला जाता है। हमारी अम्मा ना चीखती चिचियाती बहुत है, आप समझ। सबका सास चीखती चिचियाती है, ये हम दोनों के बीच की बात है, आपका। हमारा मतलब था कि आप जिससे भी शादी करिएगा अपनी माँ को मत छोड़िएगा, बस। हम कह रहे थे कि आप भी बचपन में क्रिकेट खेलती थी क्या? है? आप भी बहुत लंबा वाला छक्का मारी हैं, हम भी आपका टेस्ट ले रहे थे और आप अव्वल नंबर से पास हुई हैं, जानती हैं? हाँ, हमरी गैया हम ही पर मुँह। एक कप चाय और पी जाए, हम बनाए। किचन बताइए। खोल देते हैं, इतना तो आसान था। एक ठो और बात करनी थी आपसे। हाँ कहिए, एक ठो का जितना ठो बात करना है करिए। टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे इस बार, सीधा सीधा पूछेंगे। दूध किधर है? दे जाए, यही पूछना था आपको। नहीं नहीं, आप टीचर का नौकरी करते हैं ना? हाँ। हम भी छोटे बच्चों को पढ़ाने का कोर्स किए हैं, टीचिंग का। अरे क्या बात कर रही हैं आप, अरे तो बहुत अच्छा बात है। तो आप हमको, आप शादी के बाद हमको नौकरी करने देंगे क्या? नहीं, वो कहा है कि हमारी अम्मा बोली कि आप जो कहेंगे वही करना होगा, हम अपने पैर पे खड़ा हो पाएंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। आप हमको शादी के बाद काम करने दीजिएगा ना।
देखिए हमारी भी फिर एक शर्त है कि आप भी हमें घर के काम में हाथ बटाने देंगी, ठीक है? याद रखिएगा आप, हम ना जानते हम करते हैं। एक मिनट हमें करने दीजिए। अरे यही तो शर्त है, हम ना बहुत अच्छे से जानते हैं बात कि घर का काम करना ना कोई आसान काम नहीं होता है, बड़ा मेहनत लगता है, इंसान थक जाता है, ठीक है? तो ये अभी से आपको हमको वादा करना होगा, आप हमको रसोई में आने से न रोकेंगी न टोकेंगी, हम ना इक्वलिटी में विश्वास करते हैं, तो ये हमारे इक्वालिटी के नाम। एक तो बात बोले। अरे दो तो बोले। आप ना हमको इक्वालिटी में अच्छे लगे। I love you too. नहीं वो like you कहना चाह रहे थे, मुझे love you फिसल, मतलब love you मिल गया। हम रस लेके आते। देखिए मासूम जी, छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं जो हमें आपसे करनी है, तो सोच रहे थे वो भी आपसे कर ही डालते हैं। आइए ना। आइए आइए बैठिए, पहले यहाँ बैठिए, यहाँ नीचे बैठना हमको बड़ा अच्छा लगता है। हमको भी बताइए। यही कह रहे थे कि कुछ बातें सही समय पर संभाली ना जाए तो बहुत बड़ी बन जाती हैं, है ना? बात तो सही कह रहे हैं आप। हाँ वो कहा कि अब शादी के बाद हो सकता है जीवन में कभी छोटा मोटा झगड़ा भी हो जाए, है कि नहीं? तो हम आपसे बस यही वादा लेना चाहते हैं कि जब भी हम लोगों के बीच में कोई झगड़ा फसाद होगा तो झगड़ा के साथ और घुमा हुआ खोपड़ी के साथ दोनों में से कोई भी सोने नहीं जाएगा, मतलब जिस दिन का मैटर है उसी दिन निपटा लेंगे हम लोग, है कि नहीं? तो ये बात फाइनल, डील डन, है ना? तो दीजिए इसी बात पे ताली। अब आप ऐसे ला जाएंगी तो हमको भी ला जाने लगे। छाती टूट। तो क्या ख्याल है आपका, हैं? हमारी जीवन साथी बनना पसंद करेंगे कि नहीं? ये तो हमारा सौभाग्य होगा कि हम आपकी पत्नी बनेंगे। कितना अच्छा लग रहा है हमको, हम कैसे बताएं? हाँ हमारा भी। हमें तो कभी कभी लगता है कि हमारा दो तीन जन्मों का रिश्ता है भगवान के साथ। दो तीन जन्म का है, सात जन्म का है? नहीं पागल का, इतनी जल्दी सात जन्म खत्म कर देंगे? हाँ नहीं तो। बहुत अच्छा लग जाती है। हम दोनों घर के लोग ना कान पे फोन लगाए इंतजार कर रहे होंगे। तो फिर तो कह दें का? हाँ हाँ अरे आपस में तुम कहते रहेंगे, यहाँ सामने जो लोग हमको देख रहे हैं चुपचाप उनको कह दो कि भैया ऐसा है कि लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना और जो फैला देना, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, शेयर। वही सुनिए ना, थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा।